हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग का चल रहा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हम लोगों ने अभी प्रोनाउन के पार्ट देख लिए हैं सारे, उसके काइंड पास्ट देख चुके हैं। अब हम लोग उसका यूज सीख रहे हैं कि उसको कैसे यूज करते हैं और कहाँ पर गलतियाँ और कहाँ पर गलतियाँ होते हैं तो उसको कैसे सही करते हैं, वो हम लोग सीख रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि सेम जेंडर के नीचे जब ईच और एवरी दो सिंगुलर नाउन या नाउन के साथ, दो सिंगुलर नाउन्स के साथ अगर जो ईच एवरी है तो उसको, और वो सेम जेंडर के हों तो उनके साथ जो हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं या प्रोनाउन का जो फॉर्म यूज करते हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर का होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ऐसा हो जाए, सेम जेंडर अभी भी चल रहा है, अभी भी सेम जेंडर ही चल रहा है, अगर ऐसा हो जाए, फिलहाल तो सेम जेंडर भूल जाइए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ नया होगा, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि जैसे मैंने बताया, तो क्या बताया, ईच या एवरी, ठीक है, इधर और नीदर, ईच या एवरी के साथ तो हमेशा हम लोग एक सिंगुलर नाउन ही लिख सकते हैं। ईच या एवरी के साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन ही लिख सकते हैं, उसके साथ सिंगुलर नाउन का ही आना जरूरी है, वही सही होगा। अगर उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा तो वो अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ईच एवरी तो नहीं, लेकिन इधर नीदर के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल दोनों ही यूज कर सकते हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इधर राजू और श्याम, ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं इधर राजू और हिज फ्रेंड्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया, मैंने जो पिछली क्लास तक बताया वो ये बताया कि इधर के साथ दो सिंगुलर नाउन, इधर और आर के साथ दो सिंगुलर नाउन पे जो रूल बनते हैं वो हमने बताया कि सिंगुलर नाउन ही, सिंगुलर प्रोनाउन लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो कहीं ऐसा हो जाए कि इधर और के साथ एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन आ जाए, एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन आ जाए, तब क्या करेंगे, ये भी तो आपके दिमाग में आ सकता है कि इधर के साथ एक सिंगुलर नाउन और उसी और के बाद एक प्लूरल नाउन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या सिंगुलर लेके चलेंगे कि प्लूरल लेके चलेंगे, ऐसे भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि यार सिंगुलर लेके चलें तो इससे गलत बैठ जाएगा, इसको लेके चलें तो, अगर जो प्लूरल लेके चलें तो राजू के साथ गलत बैठ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं वो आज के रूल में देखेंगे। फिलहाल के लिए पहले तो एक कन्फ्यूजन ये निकाल दीजिए कि ईच और एवरी के साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, ईच और एवरी के साथ ये नहीं हो सकता है ईच राजू और ईच फ्रेंड्स, सॉरी ईच राजू एंड ईच फ्रेंड्स नहीं हो सकता है। क्यों? ईच और एवरी के बाद जो नाउन आते हैं वो हमेशा सिंगुलर में होते हैं, वो मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, ठीक है। लेकिन इधर और नॉर और नीदर नॉर, इन सब के साथ ऐसा हो सकता है कि दोनों प्लूरल आ जाए, दोनों प्लूरल नाउन भी हो सकते हैं, दोनों सिंगुलर भी हो सकते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है, इसमें सारे कॉम्बिनेशन सटीक बैठते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो रूल पढ़ेंगे वो इस रूल पे पढ़ेंगे कि इधर और के साथ जब कभी एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन आए तो क्या हम लोग फॉलो करते हैं, क्या उसके साथ प्रोनाउन लेते हैं, कैसा वर्ब लेते हैं, वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो रूल लिख लीजिए पहले, जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल नाउन को और नॉर कॉमा इधर डॉट 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 और कॉमा नीदर डॉट 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 और सॉरी नॉर नीदर डॉट 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 नॉर कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल नाउन को और कॉमा नॉर कॉमा इधर डॉट डॉट और कॉमा नीदर डॉट डॉट नॉर के माध्यम के कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो इन कंजंक्शन से जुड़े हुए शब्द समूह तो इन कंजंक्शन से जुड़े हुए शब्द समूह के लिए इन कंजंक्शन से जुड़े हुए शब्द समूह के लिए हम सदैव नज़दीक पड़ने वाले नाउन के अनुसार ही करते हैं
नाउन के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी पहले इसको एग्जांपल की तरीके देखिए। हाँ एक नोट लिखिए, पहले एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए। नोट, जब जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल, जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल, जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल का कॉम्बिनेशन, का कॉम्बिनेशन, का कॉम्बिनेशन ईदर आर, सॉरी पहले आर कॉमा नॉर कॉमा ईदर डॉट डॉट आर कॉमा नीदर डॉट डॉट नॉर के साथ आए। बराबर सुन लीजिए, जब सिंगुलर, एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल नाउन का कॉम्बिनेशन, एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल नाउन का कॉम्बिनेशन आर कॉमा नॉर कॉमा ईदर डॉट डॉट आर कॉमा नीदर डॉट डॉट नॉर कॉमा नीदर डॉट डॉट नॉर के साथ आए, तो पहले हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, तो पहले हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं तथा उसके पश्चात प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको पहले ध्यान से समझिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ईदर बॉय और हिज फ्रेंड्स, कैन नॉट कंप्लीट हिज और देयर, दोनों में इसको एक प्रयोग हुआ, अभी हम लोग देखेंगे कौन सा, हिज देयर वर्क। जो मैंने रूल लिखवाया उस रूल के हिसाब से देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखवाया है कि ईदर और आर के माध्यम से जब एक सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर नाउन, जब एक सिंगुलर तथा एक प्लूरल, ये क्या है एक प्लूरल नाउन है, एक प्लूरल नाउन को आपस में जोड़ा जाए तो उनके लिए जो प्रोनाउन या प्रोनाउन का फॉर्म यूज करते हैं वो नज़दीक पड़ने वाले नाउन के अनुसार करते हैं, नज़दीक पड़ने वाले नाउन के अनुसार करते हैं। ठीक है, नज़दीक पड़ने वाले नाउन के अनुसार करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नज़दीक कौन पड़ रहा है, बॉय की हिज फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन नज़दीक पड़ रहा है हिज के कि हिज या देयर, जो ये प्रोनाउन का फॉर्म है इसके नज़दीक कौन पड़ रहा है, ये सिंगुलर नाउन कि ये प्लूरल नाउन, ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लूरल नाउन इसके नज़दीक पड़ रहा है, तो जो प्रोनाउन का फॉर्म यूज करेंगे वो हम लोग किसके अनुसार करेंगे, इसके अनुसार। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट गलत है, हिज नहीं होगा देयर होगा, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि हिज फ्रेंड्स इसके नज़दीक पड़ा है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये लिखा है कि जब हम लोग एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं तो ऐसी ईदर और नीदर नॉर वाले और नॉर वाले कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, सबसे पहले हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और उसके बाद हमें प्लूरल नाउन का यूज करना होता है, ये कंपलसरी, ये एक रूल होता है, अन्यथा आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले सिंगुलर नाउन उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं ईदर और वाले कॉम्बिनेशन में, और जो नज़दीक पड़ता है उसके ही अनुसार हम लोग यहाँ पे नाउन का फॉर्म लगाते हैं और वर्ब भी लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे कैन तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ एक जैसा काम होता है, करता है। ठीक है, लेकिन अगर जो मान लीजिए मैं ऐसा ले लूँ जो सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार बदलता है तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इधर राम और हिज फ्रेंड्स,
हिज फ्रेंड्स बीट्स हिम। अब जैसे ये मैंने एक सेंटेंस लिया, तो हमने तो प्रोनाउन का फॉर्म समझ लिया, तो जो नज़दीक पड़ता है उसी के अनुसार हम लोग प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये नज़दीकी का ही रूल होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बीट्स भी आप जब सेंटेंस जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा जो जो वर्ब होता है वो अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ले रहा है तो एस सी एस जोड़ते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ले रहा है तो एस सी एस नहीं जोड़ते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे नज़दीक कौन पड़ेगा? हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स के नज़दीक पड़ने के कारण क्या हमें जो वर्ब जो हमें यूज करना वो हमें प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार करना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार? तो मैंने बताया है कि जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो जो नज़दीक पड़ता है उसके अनुसार वर्ब और प्रोनाउन का यूज करते हैं। वर्ब का भी हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो किसके अनुसार करते हैं हम लोग, किसके अनुसार करते हैं? जो नज़दीक पड़ता है। तो नज़दीक बीट के नज़दीक कौन है? हिज फ्रेंड की राम, हिज फ्रेंड्स नज़दीक है। ये क्या है? प्लूरल। तो हमें वर्ब में एस सी एस लगाना होगा? नहीं लगाना होगा, ये ऐसे ही सही होगा। लेकिन अगर हम इसका इंट्रोगेटिव वर्ड बनाए, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव वर्ड बनाए इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या लिखेंगे? डू या डज, दोनों में से कोई एक होगा। डू या डज, इधर इधर राम और हिज फ्रेंड्स बीट हिम। अब जब आप टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है, पर यहां पे आ गया तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि जब वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ डू का यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क होगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाते समय। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बताया नज़दीक पढ़ने वाले के अनुसार तय करते हैं। यहाँ पे बीट के नज़दीक फ्रेंड्स पढ़ रहा था, इसलिए हम लोगों ने बीट का बीट ही रखा, बीट्स नहीं किया सिंगुलर की वजह से। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके नज़दीक फ्रेंड्स पढ़ रहा था। लेकिन इसमें इसमें इस वर्ब के नज़दीक कौन पड़ेगा? राम की हिज फ्रेंड्स। ऑब्वियस सी बात है कि राम इसके नज़दीक पड़ेगा। तो जब राम इसके नज़दीक पड़ेगा इधर और वाले कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो राम के अनुसार करेंगे, न कि हिज फ्रेंड्स के अनुसार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नज़दीक राम पड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बीट का यूज हम लोग किसके अनुसार किए थे? हिज फ्रेंड्स के अनुसार, न कि राम के अनुसार। क्यों? क्योंकि हिज फ्रेंड्स नज़दीक पड़ रहा था। तो इसी हिसाब से ये डू क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि डू का यूज हम लोग प्लूरल नाउन के या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जबकि राम क्या? सिंगुलर। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? डज का यूज। समझ में आया? तो इधर आर का जो कॉम्बिनेशन बनता है, अगर जो एक सिंगुलर और एक प्लूरल आता है, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा नज़दीक पड़ने वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब और प्रोनाउन का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखवा सकता था कि सदैव प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाता है, पर वो रटवाने वाली बात हो जाती, ठीक है। और होगा भी ऐसा ही, अगर जो आप यहाँ पे कोई वर्ब कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्रोनाउन यही तो आएगा इस वर्ब के बाद। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोनाउन यूज किया डू डज, अब यहाँ पे ये डू नहीं रहेगा, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? डज डज इधर राम और हिज फ्रेंड्स वॉट देयर कार होगा कि हिज कार होगा? वॉट देयर कार होगा, सॉरी बाई देयर कार होगा, बाई हटा देते हैं, सेल लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये आपको समझ में आ गया ना, इधर राम और ये वाला, ये मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर वाला तो अभी समझाना है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस लिखा, तो ये तो समझ में आ गया डज होगा, ये तो कॉम्बिने पता चल गया। क्यों? क्योंकि राम के नज़दीक पड़ रहा है। डज इधर राम और हिज फ्रेंड्स बाय हिज होगा कि देयर होगा? देयर कार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी नज़दीकी नज़दीकी का ही, तो देखिए जो प्रोनाउन का फॉर्म होगा ना वो हमेशा प्लूरल के वाले के ही नज़दीक पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखवा सकता था कि हमेशा प्लूरल वर्ब प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं, पर आप जब वर्ब में जाते तो ये रट्टा नहीं मार सकते थे, तब आप ये आपको समझना पड़ता, तो यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस ले गए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि इंट्रोगेट नहीं कर रहा था, डायरेक्ट डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे रहा था, तब यहाँ पे भी जो प्रोनाउन का फॉर्म पड़ रहा था वो प्लूरल वर्ब के प्लूरल नाउन के पास पड़ रहा था। सेम सिचुएशन यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं,
जब किसी चीज से कोई क्वेश्चन पूछा, इंट्रोगेट कर रहे हैं, तब भी देखिए जो ये प्रोनाउन का फॉर्म पढ़ रहा है वो किसके नजदीक पढ़ रहा है, हिज फ्रेंड्स के, किसके, प्लूरल नाउन के नजदीक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हिज यूज होगा देयर, देयर यूज होगा, ना कि हिज, तो हिज क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी आप लिख सकते थे, आप प्रोनाउन में ये लिख, मैं लिखवा सकता था कि जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल को इधर और के माध्यम से जोड़ा जाता है, कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, तब हमें हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। सही था, क्यों? क्योंकि ये हमेशा, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, हमेशा ये उसी के नज़दीक पड़ेगा, प्लूरल प्रोनाउन के, लेकिन लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के। लेकिन जब आप वर्ब में जाएंगे, तो जब आप इंट्रोगेट करेंगे तो वो सिंगुलर के पास चलाएगा, तो आपको डू या डज का यूज, सॉरी डज का यूज करना पड़ेगा, डू का नहीं। ठीक है, समझ में आया आपको? मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के आपको समझाया। ठीक है, देखिए, और ये रूल तो हमेशा याद रखिएगा, जब इधर और नीदर नॉर का यूज करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज पहले और प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट का यूज बाद में करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक अभी हेडिंग डाल दीजिए, बी पार्ट लिखिए। अभी तक उन्होंने सेम जेंडर देखा था, अब मेल और फीमेल दोनों के लिए देखेंगे। ठीक है, तो लिखिए, जब विभिन्न जेंडर्स के नाउन को अब इसमें सबको लेके चलेंगे। ठीक है, जब विभिन्न जेंडर्स के नाउन को ईच कॉमा एवरी, अलग अलग लेके चलते, नहीं तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। मैं तो समझ जाऊंगा क्योंकि मेरा पढ़ा है, आप कन्फ्यूज कर ले जाओगे, आप बिगिनर हो ना, तो फिर आप अलग अलग ही लिखो। पहला पार्ट लिखो, जब किसी दो विभिन्न जेंडर के नाउन्स को, जब किसी विभिन्न दो जेंडर्स के नाउन को एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है, एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है, तथा तथा उनके पहले ईच या एवरी का यूज हुआ हो, तथा उनके पहले ईच या एवरी का यूज हुआ हो, ईच या एवरी का यूज हुआ हो, ईच या एवरी का यूज हुआ हो, तो अंत में आने वाले नाउन, तो अंत में आने वाले नाउन, तो अंत में आने वाले नाउन के अनुसार ही, के अनुसार ही अंत में आने वाले नाउन के जेंडर, सॉरी नाउन के जेंडर लिख लीजिए, अंत में आने वाले नाउन के जेंडर के अनुसार ही, अंत में आने वाले नाउन के जेंडर के अनुसार ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। कैसे? यही फिर नज़दीकी वाला ही बात यहाँ भी चलेगी, जो मैंने अभी ईच और इधर और नीदर नॉर वाले में समझाया, सेम यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव कंप्लीटेड अब देखिए, हिज होगा या तो हर होगा, अब दोनों में से आपको चूज करना है, हिज हर वर्क। ठीक है, हिज हर वर्क। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि जब दो ना सिंगुलर नाउन, देखिए हमेशा सिंगुलर होगा, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, क्यों? क्योंकि इनके साथ आगे ईच या एवरी जब भी आता है तो उनके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो जो दो विभिन्न जेंडर, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को एंड के माध्यम से जोड़ा गया और दोनों के आगे ईच लगा हुआ है। ठीक है, दोनों के आगे ईच लगा हुआ है, तो इनके लिए देखिए, सॉरी पहले तो यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा, हैज कंप्लीटेड हिज हर वर्क। ठीक है, अब इनके लिए जो हमें प्रोनाउन का यूज करना होगा वो कैसे निर्धारित करेंगे, वो निर्धारित करेंगे नज़दीक पढ़ने वाले। तो एक बात आई, हिज या हर, जो ये प्रोनाउन का फॉर्म आ रहा है इसके नज़दीक कौन सा जेंडर पड़ रहा है, ये जेंडर पड़ रहा है, फीमेल जेंडर पड़ रहा है, तो यहाँ पे हिज ना यूज होकर हर यूज होगा। क्या होगा? हर यूज होगा। तो कौन सा सेंटेंस सही होगा?
सॉरी कौन सा प्रोनाउन का फॉर्म यूज सही होगा? हर यू सही होगा। लेकिन अगर जो यहीं पे उल्टा लिखा होता, ये चीज लिखा होता, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, ईच गर्ल। अब ये देखिए, मैं ये आपको ईच ईच यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, आपको ये गलत मतलब आप में तो आएगा नहीं लिखने को, लेकिन ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो, ठीक है। यहाँ पे रहेगा स्मॉल लेटर में, ईच गर्ल एंड ईच बॉय हैज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे इसके जो या हिज या हर यूज करेंगे, हिज या हर यूज करेंगे। अब यहाँ पे बताइए हिज या हर के नजदीक कौन सा जेंडर पड़ रहा है? मेल जेंडर, बॉय। तो इसके अनुसार यहाँ पे हर न यूज होके हिज यूज होगा। क्या यूज होगा? हिज यूज होगा, ठीक है। तो नजदीक अंत में आने वाले नाउन के जेंडर के अनुसार ही प्रोनाउन का फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसी का, इधर और निधर नाउन वाले। जब दो विभिन्न नाउन को, जब दो विभिन्न नाउन को, जब दो विभिन्न नाउन के जेंडर्स को, जब विभिन्न, जब दो विभिन्न नाउन के जेंडर को, जब दो विभिन्न जेंडर वाले नाउन, इस तरह लिख रहे, जब दो विभिन्न जेंडर वाले नाउन को आर कॉमा नॉर कॉमा ईदर डॉट डॉट आर कॉमा नीदर डॉट डॉट नॉर के साथ यूज किया जाता है, के साथ यूज किया जाता है, के साथ यूज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में नजदीक में पड़ने वाले, नजदीक में पड़ने वाले नजदीक में पड़ने वाले नजदीक में पड़ने वाले नाउन के जेंडर के अनुसार, नाउन के जेंडर्स के अनुसार नाउन के जेंडर के अनुसार नाउन के जेंडर के अनुसार प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी एक एग्जांपल लिखवा देते हैं। इधर राम और हिज सिस्टर इज नॉट गोइंग टू हिज या हर स्कूल, ठीक है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे भी इस सेंटेंस में
ये राम मेल जेंडर फीमेल जेंडर, इसके नज़दीक कौन, इसके नज़दीक कौन पड़ेगा, ये इसके नज़दीक कौन पड़ेगा फीमेल, तो यहाँ पे हिज ना होके हर का यूज़ होगा, ठीक है। यही मैंने लिखवाया पिछले एग्जांपल में समझाया भी था, ठीक है। चलिए तो ये था ईच एवरी वाला, अलग अलग जेंडर वाला, वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब देखिए नया रूल लिखते हैं, नया रूल लिखिए, जब विभिन्न पर्सन के प्रोनाउन का, जब विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन का, जब विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन को, जब विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउंस को एक साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाए, एक साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाए, एक साथ वाक्य में प्रयुक्त किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें टू थ्री वन, मैं अभी समझा रहा हूं क्या होता, टू थ्री वन, टू थ्री वन, टू थ्री वन के कॉम्बिनेशन में रखते हैं, टू थ्री वन के कॉम्बिनेशन में रखते हैं, टू थ्री वन के कॉम्बिनेशन में रखते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कैसे, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल देखता हूँ, जैसे मैंने लिखा, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज करते हैं, जैसे मैंने लिखा राजा, राजा यू एंड आई वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है। अब मैंने ये समझाया है, जो समझा रहा हूँ वो ये है, मैंने बोला कि अगर जो विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन को, अगर विभिन्न पर्सन्स के प्रोनाउन को एक साथ यूज किया जाए, तो उनको टू थ्री वन के कॉम्बिनेशन में रखते हैं। टू थ्री वन का कॉम्बिनेशन मतलब कि टू थ्री वन का कॉम्बिनेशन मतलब पहले आएगा सेकेंड पर्सन, मतलब कि यू, फिर उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन, मतलब कि ध्यान से समझिएगा, थर्ड पर्सन में बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं इसको लिखूंगा नॉट यू और न ही आई और बी, मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन आते हैं, और फर्स्ट उसके बाद हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन में, इस पैटर्न में हमें रखना होता है, अगर जो सारे के सारे पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए, तो पहले सेकेंड फिर थर्ड फिर वन, ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या मैंने यहाँ पे तीनों के प्रोनाउन नहीं यूज, तीनों पर्सन के प्रोनाउन नहीं यूज किए, ये क्या है थर्ड पर्सन, क्योंकि ना यू है ना आई है ना वी है, ये क्या है सेकेंड पर्सन, ठीक है, ये क्या है थर्ड पर्सन, और आई क्या है वन फर्स्ट पर्सन। तो हमें कॉम्बिनेशन कौन सा रखना था, टू थ्री वन, मतलब कि पहले यू फिर राजा और आई अपनी जगह सही है। तो सही कॉम्बिनेशन क्या होता है, सही पैटर्न क्या होता है, सही, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, और सही क्या होता, सही होता यू, यू राजा एंड आई वेन टू दिल्ली लास्ट ईयर, ठीक है, ये सेंटेंस सही हो जाता, समझ आया। चलिए एक अब इसी में नोट लिखिए, दो चीज़ों में ये कॉम्बिनेशन गलत होता है, दो चीज़ों में नोट लिखिए, परंतु यदि, ये एग्जांपल लिखने के बाद नोट लिखिएगा, परंतु यदि वाक्य में गलती,
परंतु यदि वाक्य में गलती अथवा अपराध स्वीकार करने का भाव व्यक्त हो, स्वीकार करने का भाव व्यक्त हो, तो हम उन प्रोनाउंस को वन टू थ्री के कॉम्बिनेशन में रखते हैं, वन टू थ्री के क्रम में रखते हैं। वन टू थ्री मतलब कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉम्बिनेशन में के क्रम में रखते हैं। ठीक है, एक नोट ऑन लिखे नीचे, दोनों का एग्जांपल एक साथ दे दूंगा। यदि किसी वाक्य में, प्रयोग होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस, यदि किसी वाक्य में प्रयोग होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस प्लूरल में हो, ब्रैकेट में लिख लीजिए तीनों, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं, प्लूरल में हो ब्रैकेट में तीनों, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में भी हम उन्हें वन टू थ्री के कॉम्बिनेशन में रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये गलती वाला है, जैसे लिखा यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक ठीक है, ये मैंने लिखा। मैंने बोला कि जब कभी गलती का स्वीकार करने का भाव व्यक्त हो, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि वो मान रहे हैं कि गलती का जो जिम्मेदार है वो हम लोग हैं। तो जब गलती स्वीकार की जाती है तो कौन सा कॉम्बिनेशन रखते हैं, वन टू थ्री वाला, तो वन में क्या आई, टू में क्या यू, और थ्री में क्या एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा इसी में का, जो सभी प्लूरल में हो तो कॉम्बिनेशन जो बनता है वो भी नोट कर लीजिए। वी यू एंड दे, सॉरी ये तो मैं सही नहीं लिखता, गलत ये है, यू दे एंड वी आर गुड बॉयज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट पर्सन, जो सेकंड पर्सन हुआ वो यू, यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों मानते हैं तो ये प्लूरल, दे ये भी प्लूरल, एंड वी भी प्लूरल, तो तीनों के तीनों पर्सनल प्रोनाउन जो यूज हुए ये तीनों के तीनों प्लूरल में, तो भी हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। तो सबसे पहले वी यू एंड दे, वन टू थ्री आर गुड बॉयज। ठीक है, समझ में? तो ये था पर्सनल प्रोनाउन पे कुछ रूल, इस पे आगे और भी रूल है वो हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैं दो दिन से क्लास इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो दो दिन से लाइट नहीं रह रही थी, और आपको पता है गर्मी कितनी भयंकर पड़ रही है, ऊपर से लाइट नहीं रहने की वजह से मैं जिस रूम में पढ़ाता हूँ उसमें अंधेरा रहता है, तो अच्छी वीडियो क्वालिटी नहीं मिलेगी, और कई रीजन हो जा रहे थे, सुबह का गई लाइट शाम को रात को आती थी, इसलिए मैं दो दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, उसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, मैं आपसे सॉरी भी मांगता हूँ। ठीक है, और रही बात ये, तो आज मैं लाइट थी तो मैंने तुरंत का क्लास लिया, और आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है,
आपको क्या करना है, एज यूजुअल लाइक सब्सक्राइब शेयर और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।